हेलो ऑल, ये एक फॉर फीचर और रीइशू का क्वेश्चन है। इशू ऑफ शेयर का, इशू ऑफ शेयर क्लास 12th अकाउंटिंग में एक चैप्टर है जिसमें कि हम इशू, रीइशू और फॉर फीचर के बारे में पढ़ते हैं और उसकी एंट्रीज पढ़ते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्टर्स ऑफ एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 मई दैट 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7.50 पेड बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2.50। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, 7.50 तो पेड है और अनपेड क्या है, अनपेड है ₹2.50 और ये अनपेड जो है ये फाइनल कॉल का अमाउंट है और टोटल कितना है, 10 रुपये का शेयर है। ठीक है, तो 10 रुपये के शेयर में 7.50 तो पे हुआ है और 2.50 अनपेड है। तो अनपेड कितना है, 2000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं और 2000 शेयर्स पे ₹2.50 अनपेड है, तो ₹2.50 कितना होता है, ₹5000। यानी कि ₹5000 नहीं आए। नहीं आए का मतलब क्या है, या तो इसको कॉल इन एरियस में डाल लो या फॉरफीचर की एंट्री में आप फाइनल कॉल ही लिख सकते हो। और पे कितना हुआ है, 7.50 रुपये 2000 शेयर्स पे, तो कितना पे हुआ है, 15,000। यानी कि एक तरीके से जो पे होता है वही तो फॉरफिट होता है, तो ₹15,000 आपने फॉरफिट कर लिया। ठीक है, तो ये एंट्री है। और इस क्वेश्चन में और पिछले कुछ क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनमें डिफरेंस क्या है कि आपने देखो 2000 शेयर तो फॉरफिट किए हैं और रीइशू कितने किए हैं, रीइशू आपने 1800 शेयर किए हैं। ठीक है, तो यानी कि सारे शेयर रीइशू नहीं किए हैं, तो इसमें क्या है, आपको शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। 1800 शेयर का कितना बनेगा, 200 शेयर का कितना बनेगा, तो वो हम देख लेंगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले होगी फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री की डेट दी हुई है 2015 मई 1। तो मई 1, 2015 को क्या एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, 2000 शेयर फॉरफिट कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये अमाउंट होती है आपको ध्यान रखना है कॉल्ड अप कैपिटल, कितने कंपनी ने मंगाए हैं पैसे। तो फाइनल कॉल ₹250 नहीं थी, यानी कि मंगाई तो वो भी है, तो कॉल्ड अप कितना हो गया, पूरा ₹10 हो गया। तो 2000 × 10 कितना होता है, ₹20,000। ठीक है, उसके बाद हम क्रेडिट करते हैं क्या, नहीं आया तो नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आई, तो या तो आप शेयर फाइनल कॉल लिख दो या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। और कितने पैसे नहीं आए, हमने कैलकुलेट कर लिया था, 2000 शेयर्स पे ₹2.50 के हिसाब से नहीं आए, ₹5,000 नहीं आए। और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हम फॉरफिट करते हैं, फॉरफिट किसको करते हैं, जो चीज अमाउंट आ जाती है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो 20,000 कॉल्ड अप था, ₹5,000 लोगों ने नहीं दिए, तो कितने दे दिए, ₹15,000। तो जब लोगों ने 15,000 दिए हैं तो वही तो आप फॉरफिट करोगे। तो यहाँ पे देखो ये जो अमाउंट है 15,000, ये जो अमाउंट है 15,000, ये हमने पहले ही निकाल ली थी यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि जितने लोग दे देते हैं अमाउंट वो फॉरफिट होता है। तो ये हमने फॉरफीचर की एंट्री कर ली है, अब हम रीइशू की एंट्री करेंगे। रीइशू की एंट्री कब की, 10 जून 2015 को। तो 2015 जून 10 को रीइशू की एंट्री होगी। इसमें से 1800 शेयर रीइशू हैं ₹6 पर शेयर, 6 पर शेयर, जहां पर शेयर लिखा रहता है या फॉर लिखा रहता है, या फॉर ₹6 है ना, फॉर लिखा रहता है। मैंने आपको बोला था ये अमाउंट कहाँ जाता है, बैंक में जाता है। तो आप 1800 शेयर के रीइशू करने की आप एंट्री करोगे, तो एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर आप रीइशू कर रहे हो? आप 1800 शेयर रीइशू कर रहे हो। कितने का एक शेयर? 6 रुपए का एक शेयर पे रीइशू कर रहे हो। तो ये होता है आपका 10,800। उसके बाद आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में पूरा अमाउंट डालोगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ तो या तो फुल्ली पेड लव लिखा हो तो पूरा अमाउंट डालते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी पूरा अमाउंट डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो फुल्ली कॉल्ड अप है ना ये शेयर। 10 रुपये का, 10 रुपये मंगाया हुआ है पहले। अब उसमें से 7.5 किसी ने दे दिए, 2.5 किसी ने नहीं दिए, ठीक है? तो यानी कि पूरा ही अमाउंट हम शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। तो शेयर आप कितने इशू कर रहे हो? 1800 शेयर इशू कर रहे हो, और एक शेयर है 10 रुपये का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18,000 रुपये। अब देखो 18,000 रुपये के शेयर आप रीइशू कर रहे हो और 10,800 में रीइशू कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 7,200। और ये आप कहाँ से लोगे अमाउंट? शेयर फोरफीटेड अकाउंट से लोगे, ठीक है? तो यानी कि आपने शेयर फोरफीटेड अकाउंट से ले लिया 7,200। और जब रीइशू की एंट्री होती है तो कैपिटल रिजर्व में भी जाता है शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट, ठीक है? तो वो कितना जाएगा यहाँ पे हमें वो देखना पड़ेगा। तो जून 10 को एक और एंट्री बनेगी, क्या बनेगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी? तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमें यही मेन कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे ये चीज़, कैसे निकालेंगे? देखो आपने शेयर फॉरफिट किए, कितने शेयर फॉरफिट किए थे आपने? 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स पे कितना आपने फॉरफिट किया था अमाउंट? आपने फॉरफिट किया था 15,000 रुपये, ठीक है? तो 15,000 रुपये ये रहा, ठीक है? अब इस 2,000 शेयर्स में से आप एक तो रीइशू कर रहे हो और एक रीइशू नहीं कर रहे हो। आपने रीइशू किए 1,800 शेयर्स, और कितने रीइशू नहीं किए? 200 शेयर्स, ठीक है? तो देखो 2,000 रुपये का, 2,000 शेयर्स का फोरफीचर अमाउंट 15,000 है, तो 1,800 शेयर का कितना होगा? 1,800 शेयर का कितना होगा? यानी कि 15,000 जो अमाउंट है वो है 2,000 का, और 1,800 शेयर का कितना होगा? तो ये आप निकाल लो। तो ये होगा आपका 15,000 अपॉन 2,000, 7.5, 7.5 इंटू 1,800, तो ये आपका आ जाएगा 13,500। तो यानी कि 1,800 शेयर का फोरफीचर अमाउंट कितना है? 13,500, ठीक है? और 200 शेयर का फोरफीचर अमाउंट कितना हो गया? 1,500 रुपये हो गया। तो आपको इस तरीके से बायफर्केट करना है। तो कितने शेयर आपने रीइशू किए उसका फोरफीचर अमाउंट कितना हुआ? तो यानी कि जितने शेयर आपने रीइशू किए उसका फोरफीचर अमाउंट ही तो यूज होगा फोरफीचर की एंट्री में। तो अब यहाँ देखो ये जो 13,500 है इसमें से कितना यूज हो गया है? 7,500, 7,200 यूज हो गया है, ठीक है? तो 13,500 में से 7,200 यूज हो गया है, तो कितना बचता है? 6,300। तो 6,300 अमाउंट आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है? तो इस तरीके से जब सारे के सारे शेयर रीइशू नहीं होते, जब सारे के सारे शेयर रीइशू नहीं होते तो हमें देखना पड़ता है कि जितने शेयर रीइशू हुए हैं, यानी कि 1,800 शेयर जो रीइशू हुए हैं उसका फोरफीचर अमाउंट कितना होता है, और उसके उसी फोरफीचर अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं। सारे शेयर रीइशू, सारे शेयर का फोरफीचर अमाउंट हम यूज नहीं कर सकते रीइशू में, क्योंकि जब ये 1,500 शेयर रीइशू होंगे, सॉरी, जब ये 200 शेयर रीइशू होंगे
तब ये 1500 शेयर, 1500 का अमाउंट, शेयर फॉरफीचर अमाउंट का ये रीशू, ये यूज होगा उसके अंदर, उस एंट्री के अंदर। ठीक है, तो हमने 1800 शेयर रीशू किए हैं, तो 1800 का ही फॉरफीचर अमाउंट हमने यूज किया है। 1800 शेयर का बनता है फॉरफीचर अमाउंट 13,500। ठीक है, क्योंकि 2000 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट कितना था, 15,000। अब इस 13,500 में से आपने फॉरफीचर की एंट्री में 7,200 यूज कर लिया, और बचा कितना, 6,300। तो 6,300 आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो इस तरीके से जब सारे शेयर रीइशू नहीं होते तो हमें क्या है, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट बायफर्केट करना पड़ता है। अब अगर यही इस क्वेश्चन के अंदर देखो, अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व तो कहाँ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस एक किसकी हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड्स की हेडिंग है। ठीक है, और एक और चीज बैलेंस शीट में जाएगी, शेयर फोरफीटेड अकाउंट में भी तो पैसा बचा हुआ है। शेयर फोरफीटेड अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, 1500 रुपये। और ये 1500 रुपये किसका बचा हुआ है, ये जो 200 शेयर थे जो अनइशूड हैं, जो अभी इशू नहीं हुए। ठीक है, तो शेयर फोरफीटेड अकाउंट कहाँ जाता है, ये शेयर कैपिटल में जाता है, और आपकी जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसमें हम ऐड करते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट भी बता दिया, और ये क्वेश्चन थोड़ा पहले के क्वेश्चन से डिफरेंट था, क्योंकि इसमें जितने शेयर हमने फॉरफिट किए वो सारे हमने रीइशू नहीं किए। तो इसमें मेन चीज समझने वाली यही थी कि जो फॉरफिट करते हैं अमाउंट, वो जितने रीइशू किए उसका कितना अमाउंट बनता है, उसमें से हम एडजस्ट करने के बाद रीइशू की एंट्री में कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। और जो शेयर रीइशू नहीं हुए उनका फॉरफीचर अमाउंट वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो रीइशू होंगे, जब वो रीइशू होंगे तो वो 1500 अमाउंट, 1500 रुपये का जो अमाउंट है वो तब इस्तेमाल होगा। तो ये तो था क्वेश्चन एक। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।